हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस हम आ गए हैं कहां पर, क्यों आए आज हम यहां पे? देखो हम आप टाइटल में तो देख ही चुके हो, टाइटल में तो देख ही चुके हो। यहाँ पे हम लेने आए हैं वन एंड ओनली अनान्या कोचर के लिए स्पोर्ट्स कार। यस गाइस, गाइस अनान्या के लिए आपने ना टाइटल में मेरा नाम लिखा है, ओके? तो टच भी नहीं करने देना मैंने तुम लोगों को, ठीक है? मैं बता, देखो गाड़ी चलानी तो आती नहीं, तो क्या करेगी स्पोर्ट्स कार? मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। गाड़ी चलानी आए ड्राइवर नाम की चीज नहीं होती, ड्राइवर रख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस यार हम आए हैं यहाँ पर अनान्या के लिए एक जबरदस्त कोई टू डोर वाली या कोई स्पोर्ट्स कार, अभी हमें नहीं पता हम कौन सी स्पोर्ट्स कार लेने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अनान्या एक्साइटेड है, कितनी एक्साइटेड हो आप? मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी है ये, मेरे लिए है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पैर हवा में, जमीन में है ही नहीं, जमीन ना कुछ। एक्सक्यूज मी, पैर ये रेस के, एक्सक्यूज मी, नए जूते पहन के आई है, दिल बने हैं उस पे 15-20। एक्सक्यूज मी, मेरे हैं ये। तो गाइस चलो चलो चलो, हम बहुत एक्साइटेड है, अनान्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसने हमें खाना तक नहीं खाने दिया, कह रही चलो 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 जबरदस्ती गाड़ी में, चलो गाड़ी में खाना खा के आए हम। चलो चलो नाने आप चलो, समझ रहे हो? अनान्या तेरे लिए गाड़ी पसंद आई है, गाइस एक बहुत सी सही गाड़ी पसंद आई है। अनान्या ये कैसी लग रही है तेरे को? वाह क्या सीन है, बता अनान्या ये कैसी लग रही है? मुंह पे लगा लो माइक, आवाज नहीं आएगी। ये कर लो पहले, वेरी नाइस। बहुत सारी ऑप्शंस और है यहाँ पर, बहुत सारी ऑप्शंस है, बहुत सारी ऑप्शंस है, पता नहीं क्या क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेट्स सी क्या गेम बनती है यहाँ पर। लो गाइस मैं आ गया। गाइस अभी अनान्या यहाँ पे रैंप वॉक करने वाली है, तो करना, और हम रैंप वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनान्या ने रैंप वॉक कैसे करनी है, अनान्या आ जा साथ में। यार गाइस मैं इसको सिखा रहा हूँ रैंप वॉक कैसे करनी है, नहीं सीखना चाहती मुझे क्या है, चलो माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। Hello, hello. Like, he got so excited when yeah. he got the name. Hi. Especially hello. Welcome, please welcome. Hi. Thank you, G. Thanks for coming. Thank you. Thanks for coming. And the YouTubers and the kids.
गाइस यार अनान्या के लिए स्पोर्ट्स कार हम पसंद कर रहे हैं, तो अनंत्या बताएगी कि कौन सी स्पोर्ट्स कार अनान्या को लेनी चाहिए। मेरे को लगता है अनान्या तो कोई नहीं चला पाएगी क्योंकि नहीं, चलाने के लिए नहीं है, बैठने के लिए। और ये देखो ये इधर चलाना मैं ऐसे खाऊं। ये आ गई है स्पोर्ट्स कार की मालकिन आ गई है भैया, तो हम अनान्या के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कार लेने आए हैं, तो आप कौन सी सजेस्ट करोगे? इससे बेटर क्या हो सकता है? I8 तो ठीक है भाई, ये BMW की मॉडल वॉडल तो हमें नहीं पता, मैम बता रही है I8 है, तो हम I8 इज वन ऑफ आवर सिलेक्शन। आप कमेंट करके बता देना I8 लेना है या नहीं लेना है, ठीक है ना? ऑप्शंस और भी है, वो है एक Porsche है, अभी मजा आएगा ना, Porsche, Ferrari, Maserati, तो गाइस बहुत सारी ऑप्शन, धूम मचा देंगी, पहले ही मचाई हुई है धूम इन्होंने, आपने फैशन शो देख ही लिया है, तो अभी हम और जा के क्लोज लुक लेते हैं, आओ। तो गाइस यार अब हमें कौन मिल गया यहाँ पे देख लो, रचित और सिबू। तो अब कैसे हो भाई? बहुत ही बढ़िया, आप सुनाओ आप कैसे? दोबारा पूछ रहा हूँ व्लॉग के लिए कैसे हो? व्लॉग के लिए पूछना बनता ही है, अब ऑडियंस को भी तो बताना पड़ेगा, अच्छा बंदा हालचाल पूछता है, ठीक है ना? सही बात है, हाल चाल पूछते हैं तो ब्लॉग में भी, और ब्लॉग नहीं होता तभी भी तो अच्छा बंदा है। तो कहने का मतलब है अब हमें आपकी ये सलाह चाहिए भाई साहब, आप दोनों सलाह दो, हम अनान्या के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कार लेने आए हैं। अच्छा, तो कौन सी स्पोर्ट्स कार बनती है इसको? बीटल। इसकी शक्ल देखो और गाड़ियाँ देखो। Can you pan this camera on this lake? बीटल वाली कहाँ पर है? बीटल कौन सी है? बीटल यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। अरे यहाँ से देखिए, हम यहाँ से लेने आए, इसमें से बताओ यहाँ से। अच्छी लग रही है, ब्लू वाली मुझे नाम नहीं पता क्या है, कौन सी है? BMW अच्छी लग रही है। BMW सारे BMW बोले जा रहे हैं। एक बार फिर से बताओ, इसकी शक्ल देखो और फिर गाड़ी देखो। BMW। चलो गाइस यार कमेंट करके आप बताना कि रचित और शिबू की पसंद सही है, क्या ये गाड़ी हम लें? तो फिर हम ले लेंगे भाई, ठीक है ना? बीटल बोलेगा तो बीटल भी देख लेंगे। बीटल ऊपर है क्या? नहीं है, नहीं इधर है ही नहीं इधर, पर वो भाई हमें नहीं लगेगी, सूट करेगी, सूट करेगी। हाँ। शनाया के लिए नहीं लोगे क्या? आज अनान्या की बारी है, बड़ी है ना। अच्छा। अभी ये 18 साल की हो गई, उसका भी लाइसेंस नहीं है। हाँ, ये कुछ भी 12 एक चीज देखी, मतलब बेशक 12 साल की उम्र हो, पर बड़ी उम्र बताई तो 12 साल की लड़की को भी बुरा लगा। हाँ, देख लो भैया ये पापा की परियां ना बहुत ही आगे जाएंगी। तो भाई अब हमें यहाँ पर हमारी सनरिश मिल चुके हैं। भाई तेरा नाम क्या? मुझे है नाम सैंडरिश, वैसे ऋषभ है, बट सैंडरिश लवर्स। सैंडरिश तो मुझे पता ही है, बट ऋषभ तो ऋषभ भाई। हाँ, शेरल अभी अफेक्शनेट पंजाबन नहीं है यहाँ पर, घर पर आराम से हमारे डॉग के पास केयर करती हुई। तो मुझे ये बताओ, हम अनान्या के लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स कार लेने आए हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी लेनी चाहिए अनान्या? जो तू उड़ा सके बेटा, उड़ा सके। अब बताओ कौन सी चाहिए, कौन सी उड़ा पाएगी तू? देखती हूँ, ऑप्शंस काफी है यहाँ पे, काफी। पापा की परी नहीं बनना देख, पापा की परी नहीं बनना देख। तो गाइस हम यहाँ पर अभी बहुत सारी ऑप्शंस है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी लें अनान्या को, देखते हैं कौन सी एंड तक ये डिसाइड करती है, जब तक पूरा शोरूम घूम के आते हैं, ठीक है भाई? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, पापा के लाइसेंस के नाम से ले लेना, अरे पापा को करवा दो, अरे पापा। चलो भाई आओ, देखिए आओ, इट्स लवली मीटिंग विद यू गाइस, सीरियसली इनसे अच्छी फैमिली यार, इनसे अच्छा सपोर्ट मैंने कहीं नहीं देखा, बड़े टाइम बाद मिलना हुआ है, बट जब भी मिलते हैं ना वो प्यार मोहब्बत हमेशा रहती है, लेकिन ऐसे आगे बढ़ते रहो, सपोर्ट करते रहो, फिर भी तीन पांच पांच पेज मैनेज करना बहुत मुश्किल बात होती है, बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू हिम यार, बट अपनी फैमिली को साथ लेके बनना बहुत बड़ी बात होती है, इट्स रियली अप्रिशिएटेड टू यू मैन। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा अच्छा देखोगे तो अच्छे होगे तो आपको अच्छा दिखेगा और आप अच्छे बोलोगे। ही हिमसेल्फ इज वेरी गुड, और बहुत ही जबरदस्त इनकी फैमिली है, और क्या कंटेंट बनाते हैं, मजा आ जाता है, और मतलब देख देख के दो दो तीन तीन बार एक वीडियो देखनी पड़ती है, मतलब हमको भी आती है। और हम चाहे मिलते कम है, लेकिन कंटेंट में को सारे सबके पता रहते हैं, किसका हाथ टूटा, किसका क्या है, कौन शरारती करती है एक दूसरे से, मेरे इतने भी अच्छे, इसके इतने नहीं है। चलो मिलते हैं, मिलते हैं भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, लवली, बाय। ये जो है ना, अरे कहाँ बैठ रही है,
गाड़ी हो गई बंद, अब चलो वापस चले। क्यों आप ये गाड़ी नहीं आपस मेरे लिए? ये मजाक था, चलो अपनी अपनी एज देख, यू कांट इवन ड्राइव, तू ड्राइव कर नहीं सकती, गाड़ी लेगी। गाइस ये एक प्रैंक था जो हम अनान्या को, प्रैंक वैंक क्यों होता है यार, मुझे पहले शुरुआत में भी लग रहा था यार ये कि 3 दिन से ऐसे मुझे बोल जा रहे करेंगे करेंगे करेंगे। तीन दिन से इसको बोल रहे थे, सिर्फ प्रैंक को बिल्डअप कर रहे थे हम, ताकि ये बहुत एक्साइटेड हो जाए कि हम एक न्यू स्पोर्ट्स कार लेने लगे। आ जाओ पापा, नहीं चाहिए ये इसको हम बाद में, अभी यहाँ पे झगड़ा होने वाला है तो ये तो आराम से करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हिट लाइक कर देना और माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियो देखते रहना। वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारा पूरा घर हमने तोड़ दिया, आखिर क्यों? वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 33 व्लॉग्स पे। गाइस हमने हमारा पूरा घर क्यों तोड़ा ये देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।